NH-74 भूमि मुआवजे के घोटाले में निलंबित PCS अधिकारी तीरथ पाल और पिर्थीगढ़ के बेरीनाग तहसील के प्रभारी तहसीलदार रघुवीर सिंह को SIT ने नैनीताल जिला न्यायालय की भ्रष्टाचार अधिनियम कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने तीरथ पाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। तीर्थ पाल पर बाजपुर में SDM रहते हुए किसानों से सांठगांठ करके कई गुना अधिक मुआवजा दिलाने के मामले में बैकटेक में जमीन की प्रकृति बदलने का आरोप है, जबकि घोटाले में गदरपुर तहसील में तैनात रघुवीर सिंह पर बैकटेक में भूमि की प्रकृति बदलकर सरासर करोड़ों रुपए के हेरफेर का आरोप है। आपको बता दें कि घोटाले में इन अधिकारियों का नाम आने के बाद SIT लंबे समय से तीर्थ पाल की तलाश कर रही थी। SIT टीम दो मुजरिमों को गिरफ्तार कर लाई थी। एक मुजरिम का नाम था रघुवीर सिंह, ये वर्ष 2013 में रजिस्टर कानून के पद पर तहसील गदरपुर में तैनात था। इसके द्वारा बैक डेट में कृषि भूमि को अकृषि भूमि घोषित करने हेतु फर्जी रिपोर्ट लगाई गई थी। और दूसरे तीरथ पाल मुजरिम को गिरफ्तार कर लाए थे, जो दो वर्ष 2013 में SDM के पद पर गदरपुर क्षेत्र में तैनात थे, और इनके द्वारा भी बैक डेट में फर्जी रिपोर्ट लगाकर रिपोर्ट के आधार पर कृषि भूमि को अकृषि भूमि घोषित कर अपना फैसला सुनाया था। और इनके द्वारा 5 काश्तकारों को लगभग 5 करोड़ रुपए का भुगतान फर्जी तौर पर किया गया था, और दोनों मुलजिमों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में लेकर नैनीताल जेल भेज दिया गया। आई न्यूज के लिए नैनीताल से कांता पाल की रिपोर्ट। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखी गई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।